डायरेक्टर एसएस राजा मौली की फिल्म बाहुबली 2 ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार से दौड़ती बाहुबली 2 ने अब तक दुनिया भर में 1538 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। जबरदस्त VFX और एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने सबसे महंगे टिकट बेच रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वहीं इस फिल्म को टक्कर आमिर खान की फिल्म दंगल दे रही है। दंगल की दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1501 करोड़ है, जिसमें दंगल ने केवल चीन में 700 करोड़ का बिजनेस किया है। दंगल चीन में शुए जियाओ बाबा के नाम से 9000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और वहां की ऑडियंस आमिर की जबरदस्त फैन भी है। चीन में आमिर की फिल्में बेहद पसंद की जाती है। पीके 3 इडियट्स चीन में सुपरहिट थी, पर अगर फिल्म के बजट की बात करें तो दंगल बाहुबली से कहीं आगे निकल चुकी है। एक तरफ जहां हाईटेक ग्राफिक्स और स्टार कास्ट के साथ बनाई फिल्म बाहुबली 2 का बजट 250 करोड़ है, वहीं आमिर के कंधे पर दंगल के भार को बनाने में सिर्फ 70 करोड़ ही लगे। एक तरफ जहां दंगल को ऑडियंस अपने लाइफ से जोड़ देख रही है, वहीं एक्शन फिल्म बाहुबली को सिंगापुर की ऑडियंस ने नकार दिया था। उन्हें खतरनाक एक्शन पसंद नहीं आए। वेल, बॉक्स ऑफिस और बजट के मामले में आमिर की फिल्म दंगल बाहुबली से कहीं आगे निकल चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाहुबली 2 चीन में इतने आंकड़े पार कर पाएगी।